अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आप देखते हैं आपका अपना चैनल मुनज़्ज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है मेरे भाई के वलीमे की वीडियो। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई, बस छोटी सी वीडियो मैं बना पाई, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। और जैसे जैसे मुझे मेहंदी की वीडियोज़ और जो है बारात की वीडियोज़ मुझे मिलेंगी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि मेरे पास बच्चे थे छोटे छोटे, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई अपने मोबाइल में। तो क्लिप्स छोटे छोटे मुझे मिले हैं कुछ, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे नेक्स्ट क्लिप भी मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जी वलीमे का दिन है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेटिंग की हुई थी और ये एक नोपी सिस्टम था और ये मैं हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके साथ भी अपने जो ड्रेस है वो शेयर कर दूँ। ये मेरा वलीमे का ड्रेस था, तो ये काफ़ी अच्छा एक्वा कलर का ड्रेस है और साथ इसका बनारसी पजामा है गोल्डन कलर का। तो इसका दुपट्टे पे भी मैंने पल्लू लगाए हैं। काफ़ी अच्छा ये ड्रेस था मेरी सिस्टर का और मेरा सेम ड्रेस था परी ब्लॉग का। तो बस कलर थोड़ा सा चेंज था, मेरा कलर था एक्वा और उसका थोड़ा सा पैट ग्रीन कलर था। और ये है मारुश, और मारुश बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी वलीमे वाले दिन। मारुश ने बहुत ही प्यारी फेरी टेल वाली फ्रॉक पहनी थी, ये इसकी नानू ने इसको गिफ्ट किया है। ये अभी मारुश आपको चल के दिखाएगी, तो ये देखिए जी मारुश आपको चल के दिखा रही है और साथ ही मिर्ज़ा खड़ी हुई है। मिर्ज़ा ने भी बहुत ही प्यारी फ्रॉक पहनी है। इन तीनों सिस्टर्स को मैंने एक जैसे ही ड्रेसेस बनाए थे छोटी वाली को, और ये भी मेरे पास और बातें कर रहे हैं। तो मैं मारुश को कह रही हूँ कि मारुश आप घूम के दिखाओ, मैं आपकी ना वीडियो बनाती हूँ। मारुश को समझ नहीं आ रही क्योंकि डीजे चल रहा है। तो मारुश कह रही है क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर मारुश का मैंने बहुत ही प्यारा सा जूड़ा बनाया था और साथ उसको क्राउन भी लगाया और छोटे बच्चों को कैप्स दी थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कैप्स उतार दी। बाल वैसे भी उनके छोटे हैं तो उनको बालों पे मैं कुछ खास लगा नहीं सकी। और मारुश भाग गई है, देखिए आप इसकी फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है। तो ये मेरे भाई और भाभियाँ इनकी एंट्री हो रही है और बस इतनी सी वीडियो शूट हो पाई है। और साथ ही अब लाइटें बंद हो गई हैं, सब खाना वगैरह खा चुके हैं और वापसी की तैयारी हो चुकी है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे बच्चे सारे खेल रहे हैं, यहाँ पे मारुश भी खेल रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ और छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं। तो लाइट भी ऑफ हो गई थी, बस सबके जाने की तैयारी थी। ये हॉल नहीं था, मेहंदी हॉल में थी और बारात भी हॉल में थी, लेकिन ये एक नोपी था जहाँ पर हमने वलीमा किया, तो काफ़ी अच्छा सेटअप था। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। और ये देखिए मारुश अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है और उसकी फ़्रॉक बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन जब तक हम घर पहुँचे तो फ्रॉक इसकी काफ़ी पीछे से ना थोड़ी सी फट चुकी थी क्योंकि उसकी जो टेल थी वो काफ़ी लॉन्ग थी और पाँव आ गए थे। जो जो लोग जाते आके रो रही थी मम्मा सबके पाँव आ रहे हैं मेरी फ्रॉक पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फ्रॉक ऐसी है, पाँव तो सबके आएंगे। तो ये छोटे बच्चे हैं मेरे पास खड़े, छोटे बच्चे खड़े हैं जी। सनम आपको हाय कह रही है, और ये हुरैन है और ये मुनज़्ज़ा है। तीनों को एक ही जैसे मैंने ड्रेसेस पहनाए थे और साथ मैंने इनको वाइट हाईनेक्स पहनाई थी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है छोटी तीनों। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर